Now I'm going to start with Nazism in Germany. Today I'm going to tell you only outlines, the story of this chapter, and tomorrow we will start this chapter. Okay? So listen only. No need to write anything. Today you will listen only and enjoy. So Nazism. First of all, the Nazism meaning. Nazi ek party hai. Germany mein Nazism means when rule of rule under Nazis. नाजीस का जब रूल था ना जर्मनी में, उसे कहा गया नाजीइज्म। हिटलर की पार्टी थी नाजी पार्टी। नाजी पार्टी जो थी, दैट वाज द पार्टी ऑफ हिटलर। अब नाजीइज्म इन जर्मनी, जर्मनी में जब नाजीस का रूल आया तो उसको कहा गया नाजीइज्म इन जर्मनी। अब ये स्टार्ट कैसे हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलाइड एंड एक्सेस पावर्स, मैं आपको रशिया में भी बता चुकी हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई अलाइड एंड एक्सेस पावर्स में, सेंट्रल पावर्स में। अब यहाँ पे क्या हुआ, जर्मनी वाज एट गुड पोजीशन। कई बार कहते हैं ना कोई ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना, इन दिस वार जर्मनी वाज एट गुड पोजीशन। जर्मनी ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, एंड जर्मनी के ओवर कॉन्फिडेंट होने से जर्मनी ने क्या किया, अटैक द नेवल बेसिस ऑफ यूएस। अब आपको रशिया में मैंने बताया था यूएस ज्वाइंट दिस वार लेटर। अब यूएस को वार में, अब किसी के घर पे जाके खुद ही अटैक कर दो, वो बंदा इन्वॉल्व ना हो तो आप उसे खुद ही इन्वॉल्व करके ले आए। तो जर्मनी वाज एट गुड पोजीशन। इन्होंने क्या किया, एक्सिस वालों ने, इन्होंने यूएस की नेवल बेसिस पे, जबकि वो शांत बैठा हुआ था यूएस, अटैक कर दिया। यूएस हैड टू ज्वाइन दिस फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब रशिया ने क्विट कर दिया था, यूएस ने ज्वाइन कर लिया था। आपको बताया ना, लेनिन ने रशिया को बार कर लिया था बार से 1917 में, एंड यूएस ने ज्वाइन किया। यूएस के आते ही जर्मनी की पोजीशन बिगड़ गई, जो पहले विनर था अब वो हारना शुरू हो गया। वैसे कहते अगर ये गलती ना करते तो हो सकता है फर्स्ट वर्ल्ड वार होती ना, हो सकता ना होती, इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन ना होती। बस फर्स्ट वर्ल्ड वार तो चल ही रही थी, मतलब इतनी डिस्ट्रक्शन ना होती। तो यूएस एंटर कर गया। यूएस के आने से जर्मनी की कंडीशन बिगड़नी शुरू हो गई। जर्मनी गॉट डिफीटेड इन दिस वॉर। अब जर्मनी हारा। रूलर केसर विलियम, लर्न द नेम ऑफ द रूलर, केसर विलियम। केसर विलियम जो था वो रूलर था जर्मनी का, ही फ्लेड टू अदर कंट्री, भाग गया वहां से, क्योंकि वो हार गए, जर्मनी वाले हार गए, अलाइड पावर्स जीत गई। तो रूलर केसर विलियम, क्योंकि उसने लोन लेके ये वार लड़ी थी, टुक लोन्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, और लोन लिए हुए थे उसके ऊपर कर्जा बहुत था, ही फ्लेड टू अदर कंट्री, भाग गया वहां से। अब जर्मनी में कोई भी नहीं है, रूलर भाग गया, केसर विलियम फ्लेड टू अदर कंट्री। अब जर्मनी में एक पार्लियामेंट्री पार्टी बनी, दैट इज वेमर रिपब्लिक। पार्लियामेंट्री पार्टी बनी, वेमर रिपब्लिक ऑन फेडरल लाइंस। वेमर रिपब्लिक बनी ऑन फेडरल लाइंस, ठीक है। अब वेमर रिपब्लिक ने जर्मनी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया। वेमर रिपब्लिक के अंडर अब आ गया होल्ड ऑफ जर्मनी, क्योंकि रूलर फ्लेड टू अदर कंट्री, तो वेमर रिपब्लिक आ गई जर्मनी में, ठीक। क्योंकि ये सब कुछ वेमर, वेमर जगह का नाम है, हर बात वेमर में बैठ के हुई थी, साइन सब वेमर में हुए थे, फेडरल लाइंस पे ये पार्टी बनी थी, तो फेडरल लाइंस मींस पावर्स इन्होंने डिवाइड की थी, ठीक है। तो ये वेमर में सब कुछ हुआ, तो इसलिए इस जगह का नाम पड़, इस रिपब्लिक का नाम पड़ गया वेमर रिपब्लिक। तो वेमर रिपब्लिक जर्मनी में आ गई, वेमर रिपब्लिक में हाथ में सारा चला गया। अब अलाइड पावर्स एंड जर्मनी इस वार में ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ना, अलाइड एंड एक्सिस दोनों को ही लॉस हुए थे। अलाइड चाहे विनर्स थी बट सफर्ड हैवी लॉसेस, नुकसान तो होता ही है वार हो तो अलाइड पावर्स जो थी ना, दे हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वार। उन्होंने कहा इस वार के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जर्मनी, एंड उन्होंने सारी वार रिकवरी जर्मनी से करने की सोची। दे इम्पोज्ड फाइन ऑन जर्मनी, उन्होंने जर्मनी पे फाइन लगाया, ठीक है। जर्मनी को 6 बिलियन पाउंड फाइन देना था, जर्मनी हैड टू पे 6 बिलियन पाउंड फाइन देना था, 6 बिलियन, और साथ में जर्मनी के इंडस्ट्रियल टाउन्स,
ठीक है, राइन वैली, रोहुड, ये सब अलाइड पावर्स ले गई। नंबर ऑफ सोल्जर्स उन्होंने जर्मनी का कम कर दिया। अलाइड पावर्स पोस्ट वेमर रिपब्लिक, अलाइड पावर्स ने वेमर रिपब्लिक को फोर्स किया टू साइन ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। विच ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन हुई, ठीक, ये हुई 28 अक्टूबर 1919 को ये ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन करने के लिए बोला कि इन्होंने अलाइड पावर्स ने जर्मनी को, वेमर रिपब्लिक को, वेमर रिपब्लिक क्योंकि रूलर तो भाग चुका था, वेमर रिपब्लिक हैड टू साइन ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। अब वो जो ट्रीटी थी दैट वाज नॉट इन द फेवर ऑफ जर्मनी, इट वाज डिसग्रेस ट्रीटी, डिसग्रेस ट्रीटी थी अगेंस्ट द प्रेस्टीज ऑफ जर्मनी, क्योंकि जर्मनी से बहुत कुछ छीनने वाली थी अलाइड पावर्स। क्या क्या उसके ऊपर वार लगा, वार फाइन लगा उसको, जर्मनी को $6 billion जर्मनी हैड टू पे वार फाइन। जर्मनी के इंडस्ट्रियल टाउन्स कौन ले गई? अलाइड पावर्स। जर्मनी के सोल्जर्स, नंबर ऑफ सोल्जर्स रिड्यूस कर दिए गए। तो इस वजह से जर्मनी की कुछ आप कह लो कि पोर्ट्स वाले एरियाज भी अलाइड पावर्स ले गई, तो जर्मनी को बहुत लॉस हुआ इस वार, इस ट्रीटी से। दिस ट्रीटी वॉज नोन एज डिसग्रेस ट्रीटी, वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ जर्मनी, इट वॉज आप कहोगे ह्यूमिलेटिंग एक्ट मेड बाय वेमर रिपब्लिक। तो लोग जो थे ना, दे टर्न्ड अगेंस्ट न्यूली बिल्ट वेमर रिपब्लिक। अभी अभी तो ये बनी थी, आते ही इसे ट्रीटी साइन करनी पड़ी अलाइड पावर्स के साथ, तो आते ही ये अनपॉपुलर भी हो गई, आते ही अनपॉपुलर हो गई वेमर रिपब्लिक। वेमर रिपब्लिक क्यों अनपॉपुलर हुई? बिकॉज इट हैड साइन द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। लोगों को था कि इसको ट्रीटी साइन नहीं करनी चाहिए थी। अब वेमर रिपब्लिक की अनपॉपुलरिटी के रीजन क्या थे? अब मैंने पहले ही बताया केसर विलियम टू क्लोन्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, और केसर विलियम ने कहा था कि ही वुड रिटर्न द लोन इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। उसने कहा था गोल्ड की फॉर्म में वो लोन पे करेगा। अब जर्मनी के गोल्ड रिजर्व्स खाली होने शुरू हो गए, क्योंकि वेमर रिपब्लिक को केसर विलियम का लोन भी वापस करना था। तो जर्मनी के गोल्ड रिजर्व्स गॉट डिप्लीटेड डे बाय डे, गोल्ड रिजर्व डिप्लीट हो गए, इंडस्ट्रियल टाउन्स चले गए, वेमर रिपब्लिक वॉज फाइनेंशियली क्रश्ड, पैसा ही नहीं था, कहाँ से वार फाइन देती। और साथ में नंबर ऑफ सोल्जर्स गॉट रिड्यूस्ड, क्योंकि लाइट पावर्स ने जर्मनी की आर्मी कम कर दी थी। मैनी सोल्जर्स बिकेम अनएम्प्लॉयड, तो वो भी अनएम्प्लॉयड हो चुके थे। अब जो अनएम्प्लॉयड हुए वो तो वेमर रिपब्लिक के ही अगेंस्ट होंगे ना, किसने क्यों ट्रीटी साइन की, क्यों ये बातें मानी। तो कितने लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके थे। वैल्यू ऑफ करेंसी ऑफ जर्मनी केम डाउन, जर्मनी की करेंसी की वैल्यू डाउन जा चुकी थी, ठीक है। तो एक ब्रेड खरीद इतनी डाउन, ट्रिलियंस में डाउन गई थी, ट्रिलियंस में जर्मनी की वैल्यू ऑफ करेंसी केम डाउन इन ट्रिलियंस। कहते लोग एक ब्रेड खरीदने जाते थे ना, एक ब्रेड तो कांट में पैसे भर के लेके जाते थे ब्रेड, इतनी वैल्यू ऑफ करेंसी डाउन थी जर्मनी की। तो जर्मनी में बहुत प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बढ़ती चली गई। व्हेन दिस ट्रीटी वाज साइंड, दिस ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स वाज साइंड, हिटलर वाज एन हॉस्पिटल, हिटलर वाज एन ऑर्डिनरी सोल्जर ऑफ जर्मन आर्मी। ही पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी पार्ट लिया था, एंड ही वॉज एन ऑर्डिनरी सोल्जर, ऑर्डिनरी सोल्जर था वो। बस देखो आप यहाँ से सीखो, एक ऑर्डिनरी सोल्जर कैसे डिक्टेटर बना। हिटलर वॉज एन ऑर्डिनरी सोल्जर ऑफ जर्मनी एंड पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एंड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हिज लेग गॉट फ्रैक्चर्ड, फ्रैक्चर हो गया था उसे, एंड ही वॉज इन द हॉस्पिटल व्हेन ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स वॉज साइन। तो हिटलर ने कहा भी कि अगर वो बाहर होता शायद वो इस ट्रीटी को साइन करने नहीं देता। तो अब वेमर रिपब्लिक वॉज बिकमिंग अनपॉपुलर डे बाई डे, इसके कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत से डिफेक्ट्स थे, ठीक है। तो वो डिफेक्ट्स नहीं थे जो कि आज की डेट में हम इंडियन गवर्नमेंट में रूल्स को, क्योंकि फेडरल प्रिंसिपल्स थे, तब के लोग फेडरल प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करना चाहते थे। तो वेमर रिपब्लिक में जो जो उन्हें खामियां लगी, लोग कहते थे ये डिफेक्ट्स हैं, लोग इसके अगेंस्ट होते चले गए, एंड पीपल हैड नो फेथ इन this type of government, they were totally in the favor of dictatorship.
वो फेडरलिज्म में बिलीव ही नहीं करते थे, दे टोटली बिलीव्ड इन डिक्टेटरशिप। तो लोगों को वेमर रिपब्लिक से लोगों की प्रॉब्लम्स बढ़ती चली गई। ठीक, अब हिटलर, हिटलर वॉज बिकमिंग पॉपुलर इन दोज डेज। हिटलर जब ठीक होके बाहर आया, ही मेड प्रोमिसेस विद द पीपल ऑफ जर्मनी। हिटलर ने अपनी पार्टी बनाई, नाजी पार्टी, एंड ही मेड प्रोमिसेस विद द पीपल ऑफ जर्मनी। अब उसने कौन कौन से प्रोमिसेस लोगों के साथ किए? फर्स्ट ही सेड दैट ही वुड ब्रिंग बैक द डिग्निटी ऑफ जर्मनी। ठीक, उसने कहा ही वुड डिनाउंस द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। उसने कहा जितनी भी टर्म्स है ना ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की, वो सब तोड़ देगा। एंड ही वुड ब्रिंग बैक द डिग्निटी ऑफ जर्मनी, प्रेस्टीज ऑफ जर्मनी। उसने कहा ही वुड टुक जर्मनी आउट ऑफ डिस्ट्रेस सिचुएशन। अब एक मिनट, एक लीडर ऐसे प्रॉमिस करे कि मैं आपको डिस्ट्रेस सिचुएशन से बाहर निकाल दूंगा, मैं प्रेस्टीज वापस ले आऊंगा, मैं ऐसी जो ह्यूमिलेटिंग एक्ट है, ऐसी ट्रीटी है जो, उसको भी तोड़ दूंगा, उसके टर्म्स ही नहीं मानूंगा। ठीक है, और साथ में इसने कहा कि वो अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं उन्हें जॉब्स देगा। ऐसे प्रोमिसेस हिटलर ने किए। अब जर्मनी के सोल्जर्स हिटलर के फॉलोअर बन गए, बिकॉज हिटलर प्रॉमिस दैट ही वुड इंक्रीज द नंबर ऑफ सोल्जर्स। ही सेड दैट ही वुड गिव जॉब अपॉर्चुनिटीज टू द यूथ। उसने कहा यूथ को जॉब अपॉर्चुनिटीज देगा, क्योंकि यूथ जो थी ना, यूथ टर्न टूवर्ड्स क्राइम ड्यूरिंग वेमर रिपब्लिक। वेमर रिपब्लिक के पीरियड में यूथ जो थी ना जर्मनी की, दैट टर्न टूवर्ड क्राइम्स, क्राइम्स की तरफ जा रही थी। पता है क्या करते थे सारा सारा दिन यूथ? वहां के यंगस्टर्स क्या करते थे? ताश खेलते थे स्ट्रीट्स में बैठ के, और अपने गले में तख्तियां पहनी होती थी उन्होंने, उस पर लिखा होता था गिव अस जॉब, वी आर रेडी टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क, गिव अस जॉब, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वेमर रिपब्लिक। सोचो यूथ ऐसे सब कुछ कर रही थी, यूथ वॉज टर्न टूवर्ड। अब जिसके पास काम नहीं होगा वो क्राइम की तरफ ही जाएगा ना भाई। ड्यूरिंग वेमर रिपब्लिक यूथ वॉज टर्न टूवर्ड्स क्राइम, क्राइम की तरफ जा रही थी। और साथ में स्पेंड देयर टाइम्स बाय प्लेइंग कार्ड्स, और साथ में उनके गले में क्या होते थे, एक तख्तियां पहनी होती थी उन्होंने, कार्डबोर्ड्स डाले होते थे गले पे, और उसमें लिखा होता था गिव अस जॉब, वी आर रेडी टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क। तो ऐसे यूथ ऐसी थी ड्यूरिंग वेमर रिपब्लिक। हिटलर प्रॉमिस विद द यूथ दैट ही वुड गिव देम ब्राइट फ्यूचर। अब एक मिनट, कोई लीडर आके बोले कि मैं आपको ब्राइट फ्यूचर दूंगा, तो जर्मनी की यूथ हिटलर की फॉलोअर होती चली गई। तो पीपल टर्न टूवर्ड्स हिटलर, पीपल बिकेम फॉलोअर ऑफ हिटलर, दे कॉल्ड हिटलर मसीहा, मैसेंजर सेंट बाय गॉड। लोग कहते थे ये मसीह है, मैसेंजर है, सेंट बाय गॉड, इसे भगवान ने भेजा है। ही वुड टुक अस फ्रॉम द डिस्ट्रेस सिचुएशन, ये हमें डिस्ट्रेस सिचुएशन से पक्का बाहर लेके जाएगा। सो पीपल ऑफ जर्मनी बिकेम फॉलोअर ऑफ हिटलर, हिटलर के प्रोमिसेज उन्हें बहुत अच्छे लगे, एंड पीपल बिकेम द फॉलोअर्स ऑफ हिटलर। वेमर रिपब्लिक फेल हो गई, अब हिटलर पॉपुलर हो रहा, अभी पावर में नहीं आया, हिटलर वॉज बिकमिंग पॉपुलर इन जर्मनी। अब हिटलर ने पावर में आने के लिए क्या क्या किया? इलेक्शंस हुए, नाजी जर्मनी में इलेक्शंस हुए। अब उन इलेक्शंस में नाजी पार्टी को पहले तो बहुत कम वोट मिले, 2.6% वोट मिले, बट लेटर इन्हें 37% वोट्स मिल गए। तो नाजी पार्टी जो थी दैट बिकेम लार्जेस्ट पार्टी इन जर्मनी, नाजी पार्टी मेन पार्टी बन गई। तो प्रेसिडेंट, अब आप अपने आप सोचो, वो इलेक्शंस जीत चुका है हिटलर, तो प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी हिंडनबर्ग, नेम ऑफ द प्रेसिडेंट वाज हिंडनबर्ग, ही कॉल्ड हिटलर, उसने हिटलर को बुलाया फॉर ओथ सेरेमनी, एंड उसे जर्मनी का चांसलर बनाना था। चांसलर मींस जस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर ऑफ जर्मनी। हिटलर को चांसलर बनाने के लिए किसने बुलाया? प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने, बिकॉज हिटलर वॉन द इलेक्शंस। अब हिटलर को प्रेसिडेंट ने बुलाया, बट हिटलर नहीं चाहता था वो पावर्स उसकी कम हो जाए। मिस्टीरियस फायर ब्रोक आउट इन द पार्लियामेंट्री बिल्डिंग ऑफ जर्मनी। तो हियर यू हैव टू लर्न द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी। एज यू हैव रेड, पार्लियामेंट ऑफ फ्रांस वॉज नोन एज बॉडी ऑफ स्टेट जनरल, पार्लियामेंट ऑफ रशिया वॉज नोन एज जूमा, एंड पार्लियामेंट ऑफ रशिया वॉज नोन एज, सॉरी जर्मनी नोन एज रीच स्टैग।
जर्मनी की पार्लियामेंट को कहते कहते हैं रीचस्टैग, रीचस्टैग, इज इट क्लियर? पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी, रीचस्टैग, लर्न द नेम, वन मार्क क्वेश्चन, डूमा, रशिया, रीचस्टैग, जर्मनी, लिखना नहीं अभी आज, अब सुनो। तो रीचस्टैग, तो पार्लियामेंट्री बिल्डिंग में कहते मिस्टीरियस फायर ब्रोक आउट इन पार्लियामेंट्री बिल्डिंग, हिटलर सेंड हिज ओपोजिशन पार्टी के जितने भी लोग थे टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप। कॉन्सेंट्रेशन कैंप आपको सुन के अजीब लगेगा, बाद में हम कहेंगे कि हिटलर ने इतने क्राइम किए किसी को पता ही नहीं चला। तो हिटलर सेंड द ओपोजिशन पीपल ऑफ द ओपोजिशन पार्टी टू कॉन्सेंट्रेशन कैंप। कॉन्सेंट्रेशन कैंप अब था क्या? कहने को तो कैंप है, कोई सोचेगा कैंप होएगा, नो, इट वॉज जेल, इट वॉज जेल, सराउंडेड बाय इलेक्ट्रिकल वायर्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स लगी हुई थी साइडों पे, अगर कोई भागता तो उसे करंट लगता, मर जाता। तो हिटलर सेंड हिज एनिमल्स टू कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, एंड देन अब इसके बाद हिटलर ने, हिटलर पावर में आ गया बाय साइनिंग एक उसने एक्ट पास किया, उसने हिटलर ने एक एक्ट पास किया 1933 में, हिटलर पास एन एक्ट एंड बिकेम द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी। हिटलर डिक्टेटर बन गया जर्मनी का बाय पासिंग एन एक्ट इन 1933, बिकेम द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी। अब सारी पावर्स हिटलर ने आते ही सबसे पहले लोगों के फंडामेंटल राइट्स छीने, बिकॉज वेमर रिपब्लिक हैड गिवन फंडामेंटल राइट्स टू द पीपल, हैड गिवन सिविल लिबर्टीज टू द पीपल, क्योंकि फेडरल लाइंस पे बनी थी वेमर रिपब्लिक, एक ही हिसाब से डेमोक्रेटिक फॉर्म की गवर्नमेंट थी। तो लोग तब वहां के ऐसी गवर्नमेंट लाइक नहीं करते थे, हिटलर ने आते ही सबसे पहले लोगों से राइट्स छीने, सिविल लिबर्टीज छीन ली, फ्रीडम ऑफ प्रेस उसने छीन ली, ही बैंड द फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड ही सस्पेंडेड सिविल लिबर्टीज, एंड उसने मीडिया अपने अंडर कर लिया, मीडिया भी हिटलर के अंडर हो गया, मीडिया की फ्रीडम भी उसने छीन ली। तो हिटलर बिकेम द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी, हिटलर बन गया डिक्टेटर ऑफ जर्मनी। अब हिटलर ने डिक्टेटर बन के क्या क्या काम किए, सबसे पहले तो मैं बताती हूँ आपको, लर्न रखना है यूथ, हिटलर ने यूथ को अपनी फेवर में कैसे किया, यूथ जो था जर्मनी का कैसे हिटलर के अंडर गया। इस बात के लिए हिटलर ने बच्चों की स्कूलिंग पे नजर रखी, हिटलर कैप्ट एन आई ऑन द स्कूलिंग ऑफ द चिल्ड्रन, जैसे ही बच्चे स्कूल में एंटर होते थे ही कैप्ट एन आई ऑन द स्कूलिंग ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की स्कूलिंग पे नजर रखी। और बच्चों को हिटलर ने अपनी लोगों को टू पार्ट्स में बांटा, हिटलर नॉर्डिक जर्मन आर्यन बच्चों की फेवर में था, नॉर्डिक जर्मन आर्यन प्योर ब्लडेड जर्मन, वो ज्यूज, जिप्सीज, ब्लैक्स की फेवर में नहीं था। हिटलर जो था वो नॉर्डिक जर्मन आर्यन बच्चों, हिटलर नॉर्डिक जर्मन आर्यन की फेवर में था, प्योर ब्लडेड जर्मन, इन्हें फर्स्ट रैंक पे रखा नॉर्डिक जर्मन आर्यन को, एंड लो रैंक दिया ज्यूज, जिप्सीज, ब्लैक्स, इनको लो रैंक पे रखा हिटलर ने। नॉर्डिक स्कूल में क्या किया, नॉर्डिक जर्मन आर्यन बच्चे जो थे दे वर नॉट अलाउड टू प्ले विद ज्यूज चिल्ड्रन, नॉर्डिक बच्चों को ज्यूज बच्चों के साथ खेलने नहीं देते थे, ठीक है, नॉर्डिक बच्चे ज्यूज बच्चों के साथ बंचेस पे नहीं बैठ सकते थे, ज्यूज हैड टू स्टैंड एट द बैक, नॉर्डिक चिल्ड्रन sat on the benches and Jewish children they had to stand at the back, aur sath mein Jewish teachers were expelled from the school, unko nikal diya job se, aur sath mein Hitler ne, aur inke liye stereotypes were made about Jewish children in the classes, maths classes mein inke liye mazak bante the Jewish bachcho ke liye, while teaching maths maths teacher bolta hota tha draw six just like the nose of Jews, मतलब उनका मजाक उड़ाया जाता था ज्यूज बच्चों का, कि बच्चों को कहते थे सिक्स ड्रॉ करो जस्ट लाइक द नोज ऑफ ज्यूज, फिर बच्चे हंसते थे ज्यूज बच्चों पे, कि इनके नाक की तरह सिक्स है, तो इस वे से उनका मजाक उड़ाया स्कूल्स में। हिटलर ने नॉर्डिक जर्मन आर्यन बच्चों को बॉक्सिंग सिखाई, बॉयज को बॉक्सिंग कंपल्सरी की, गर्ल्स को काइंड हार्टेड बनाया,
स्कूल में नॉर्डिक जर्मन आर्यन जो बॉयज थे उनके लिए बॉक्सिंग वाज कंपल्सरी एंड गर्ल्स को काइंड हार्टेड बनाया. गर्ल्स को वो कहता था कि घर ही देखना है, इनको कुछ नहीं करना. बॉयज को बॉक्सिंग सिखाई क्योंकि वो बच्चों को स्ट्रांग बनाना चाहता था. नॉर्डिक जर्मन आर्यन बच्चों को स्ट्रांग बनाना चाहता था. एंड रेशियल साइंस सब्जेक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. चिल्ड्रन आर्यन बच्चों को बिगनिंग में सिखाया गया हेट्रड द ज्यूज. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आर्यन चिल्ड्रन वर टॉट टू हेट्रड द ज्यूज. अब एक नर्सरी के बच्चे को बात सिखाई जाए हेट्रड दिस एंड वर्शिप दिस, वो तो उसको थ्रू आउट याद रहना ना. एंड टॉट देम टू वर्शिप हिटलर. बच्चों को कौन सा पाठ पढ़ाया गया? वर्शिप हिटलर एंड हेट्रड द ज्यूज. छोटे बच्चों को ये पाठ पढ़ाए जाते थे, वर्शिप हिटलर, हेट्रड द ज्यूज. तो इस वे से रेशियल साइंस सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस किया डिस्क्रिमिनेट करने के लिए ज्यूज को. अब बच्चे जब यही बच्चे आर्यन बच्चे जो थे इन्हें स्ट्रांग बनाया बॉक्सिंग को कंपल्सरी करके. हिटलर वॉन्टेड टू मेक दम फिजिकली फिट ऑल्सो. वो चाहता था ये आर्यन बच्चे जो है ना ये फिजिकली फिट भी होने चाहिए. तो फॉर दैट उसने क्या किया, इन बच्चों से लेबर जॉब्स करवाई स्कूल में. जैसे कंस्ट्रक्शन होती थी, ईंटें उठाओ, ये चीजें इधर से उधर रख के आओ, आर्यन बच्चों से करवाता था. ऐसे क्यों? बिकॉज ही वॉन्टेड टू मेक दम फिजिकली स्ट्रांग. बॉयज को बॉक्सिंग सिखा के स्ट्रांग बनाया, आयरन हार्टेड बनाया एंड फिजिकली स्ट्रांग भी बनाया. उसने आयरन हार्टेड भी बनाए, फिजिकली स्ट्रांग भी बनाए, क्योंकि यही बच्चे बाद में आर्मी ज्वाइन करते थे. आफ्टर 18 ये जर्मनी की आर्मी को ज्वाइन करते थे. तो जर्मनी की आर्मी अपने आप स्ट्रांग. यही हिटलर की यूथ थी. हिटलर की यूथ अपने आप सोचो किस बात में बिलीव करती थी? वर्शिप हिटलर, हेटर्ड द ज्यूज. उनको ये बातें बचपन से सिखाई गई थी. अब आप अपने आप सोचो जो बच्चे ये वाला पाठ पढ़ के आएंगे बाहर आके वो कैसे होंगे? वो ज्यूज से नफरत ही करेंगे. हिटलर ने इन्हें डॉक्यूमेंट्री फिल्म सिखाई बच्चों को. अब बच्चों के मनों में नफरत कैसे कैसे भरती चली गई. शोड देम डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स. उन फिल्म्स में ज्यूज को क्राइम करते हुए दिखाया, जैसे थेफ्ट, किडनैपिंग, मर्डर, ऐसे वाले काम करते दिखाए. तो आप अपने आप सोचो ऐसे करेक्टर जो मर्डर करेंगे, जो थेफ्ट और या जो लोग किडनैपिंग करेंगे, तो लोग तो नफरत करेंगे ना उनसे. हिटलर ने ज्यूज की ऐसी पिक्चर लोगों को दिखाई कि ये लोग या तो मर्डरर है या किडनैपर्स हैं या ये लोग चोरियां करते हैं. तो इस वे से थीव्स हैं ये लोग. तो आर्यन बच्चे जो थे दे हेटेड द ज्यूज एंड दे वर्शिप हिटलर. तो ये सब कुछ हिटलर ने किया. और हिटलर ने यही नहीं, उसने ज्यूज मदर को भी डिस्क्रिमिनेट किया. ज्यूज को उसने लो रैंक पे रखा, कहता होता था अनडिजायरेबल लोग हैं. और जो लोग मेंटली फिट नहीं ना होते थे हिटलर उनको भी लाइक नहीं करता था. कई बार कोई मेंटली फिट नहीं होता तो हिटलर डिडंट लाइक देम. वो कहता था ऐसे लोगों को धरती पे जिंदा रहने का राइट ही नहीं है जो मेंटली फिट नहीं है. तो हिटलर ने सबको कहता होता था अनडिजायरेबल लोग. और आर्यन बच्चों को कहता था भगवान की विश, गॉड गिफ्टेड. ये बच्चे गॉड गिफ्टेड हैं, डिजायरेबल है, ये गिफ्ट मिले हैं पेरेंट्स को. और ज्यूज बच्चों को कहता था अनडिजायरेबल, भगवान की विश के बिना पैदा हुए धरती पे. तो ऐसे वाले काम हिटलर ने किए. अब हिटलर ने नाजी ज्यूज मदर के साथ भी डिस्क्रिमिनेट किया. उसने आर्यन मदर्स को रिवॉर्ड्स दिए. अगर कोई आर्यन बच्चे पैदा होते थे वो मल्टीप्लाई करना चाहता था नंबर ऑफ आर्यन चिल्ड्रन. वो कहता था आर्यन बच्चे बड़े हमारी कंट्री में और ज्यूज का नंबर कम हो जाए. तो वो रिवॉर्ड्स देता था आर्यन मदर्स को. आर्यन मदर्स की सारे जो हॉस्पिटल के चार्जेस सब फ्री थे. उन्हें मार्केट में फैसिलिटीज थी. उन्हें बहुत कुछ ऐसे उसने कंसेशन दिए हुए थे. आर्यन जो मदर्स आर्यन बच्चों की होती थी उन्हें बहुत से कंसेशन दिए. बट जहाँ ज्यूज की मदर्स को वो पनिशमेंट देता था. कैसी पनिशमेंट? ब्लैक एंड देयर फेसेस, कट देयर हेयर. और उन्हें सोसाइटी में घुमाते थे, उनके बाल काट के फेस काले करके सोसाइटी में घुमाना. तो ऐसी वाली पनिशमेंट्स वो ज्यूज मदर को भी देता था. उन्हें कोई कंसेशंस नहीं थे. उनको इंसल्ट किया जाता था, उनकी इंसल्ट होती थी सोसाइटी में. तो हिटलर ने ये सब काम भी किए. ठीक है. अब जर्मनी में इतना क्राइम बढ़ता चला गया, क्या किसी को पता नहीं चला?
वहां पे इतना सब कुछ हुआ, लोगों को, लोगों की आवाज बाहर ही नहीं गई। अब जैसे हम कहते हैं इंडिया में ब्रिटिश आए, सारे ब्रिटिश बुरे नहीं थे, जर्मनी में भी सारे आर्यंस बुरे नहीं थे, कुछ आर्यंस को पता था कि जूस के साथ इनजस्टिस हो रहा है, बट वो कुछ नहीं कर पाए। हिटलर की बातें बाहर ही नहीं गई, मैंने पहले ही बताया मीडिया वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ हिटलर, ठीक है, मीडिया उसके कंट्रोल में था, तो बातें बाहर गई नहीं, लोगों तक गई नहीं, दूसरे जगह कंट्रीज में गई नहीं, क्योंकि उसने वर्डिंग ऐसी यूज की। फॉर एग्जाम्पल कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स वर्ड यूज किया, ज्यूज को गैस चैम्बर भेजता था, कितने कितने ज्यूज इकट्ठे करके ही सेंड देम टू गैस चैम्बर्स फॉर मास किलिंग, मास किलिंग करता था उनकी, गैस चैम्बर्स में ले जाके गैस छोड़ देते थे और वहां पे उनकी मास किलिंग करता था ज्यूज की वो। तो इस वजह से देखो इतने क्राइम किए उसने, मास किलिंग की लोगों की, मास किलिंग मीन्स इकट्ठे मार देना लोगों को, गैस चैम्बर्स में ले जाके गैस छोड़नी एंड मास किलिंग की। तो जब वो मास किलिंग के लिए गैस चैम्बर्स लेके जाता था ना, वो कहता था टेक देम फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट। अब एक मिनट, अगर कोई बोले टेक देम फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट तो साथ में बैठा हुआ था ये सोचेगा कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देना होना किसी को, वो उनके आर्मी उसके सोल्जर्स को पता था स्पेशल ट्रीटमेंट मीन्स गैस चैम्बर्स। तो इस वे से हिटलर के अंडर जर्मनी जो थी पुलिस स्टेट बन गई, पुलिस स्टेट मींस उसने पुलिस अपने अंडर की, मैंने पहले ही बोला है उस आर्मी उसके अंडर थी, पुलिस उसके अंडर थी। जर्मनी में लोग अगर इकट्ठे होके बातें करते, अगर वो हिटलर के अगेंस्ट कुछ बोलते, दे वर अरेस्टेड, पीपल हैड नो राइट टू से एनीथिंग अगेंस्ट हिटलर, कोई हिटलर के अगेंस्ट नहीं बोल पाता था। तो अगर कोई बोलता पकड़ा जाता तो अरेस्ट कर लेते उनको। तो इस वजह से नाजी जर्मनी में क्राइम बढ़ते चले गए, हिटलर यूज स्पेशल वर्ड्स, तो किसी को पता ही नहीं चला कि जर्मनी में क्या क्या क्राइम हो रहे हैं। मैंने जैसे बोला टेक देम फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट, देखो गैस चैम्बर ले जाने के लिए टेक देम फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट। और जो गैस होती थी ना, शॉवर्स नहीं लगे होते बड़े बड़े जैसे वॉशरूम बने होते थे, उसमें शॉवर्स, किसी को लगता था ये वॉशरूम है, शॉवर्स हैं, शॉवर्स लगे हुए हैं, बट वो शॉवर खोल के पानी नहीं आता था, उसमें गैस आती थी और फिर वो मास किलिंग करता था लोगों की। अब नाजी जर्मनी की बातें बाहर भी गई, गई बाहर। हिटलर ने जब हिटलर पावर में आया था ना, तो उसने जो जो प्रोमिसेस किए थे ना उसने पूरे भी किए, राइन वैली वापस लेके आया, रूहड़ वापस लेके आया, जो जो उसने वेमर रिपब्लिक के से पहले प्रोमिसेस किए थे ना कि वो सब कुछ करेगा, उसने किए भी थे। अब पता चल गया लोग क्या करते थे, डायरीज पे लिख के मिल्क के कैन जो होते हैं ना उसमें डाल देते थे सारे अपने प्रूफ्स और उसको मिट्टी में दबा देते थे। बाद में ये सारे प्रूफ्स मिले गवर्नमेंट को हिटलर के जो जो क्रिमिनल एक्टिविटीज उसने की है ना ज्यूज। तो आपको पता है आपकी बुक का लेसन एक बच्चे की स्टोरी से स्टार्ट होता है, हेलमट से। हेलमट ना, हेलमट का ना फादर उसकी मदर को कह रहा होता है कि इसे ना दूध में पॉइजन डाल के दे दो, मतलब अपने ही बच्चे को, अपनी वाइफ को कह रहा है इसे दूध में पॉइजन डाल के दे दे, पर मदर उसका दिल नहीं कर रहा उसे पॉइजन देने के लिए। तो हेलमट घर से भाग जाता है और बाहर जाके वो रोता है कि मुझे ऐसे क्यों मार रहे हैं, छोटा बच्चा होता है ऐसा क्यों। हिटलर ने आपको पता है खुद सुसाइड कमिट किया अपनी बिलवड के साथ, और ज्यूज को, ज्यूज ने मोस्टली ज्यूज ने सुसाइड किए, और ज्यूज ने सॉरी आर्यन ने, ये जो नाजीज ने, सॉरी नाजीज ने सुसाइड किए, ऐसा क्यों, क्योंकि इन्होंने इतनी क्रिमिनल एक्टिविटीज की थी ना, इनको था कि अगर हम खुद नहीं ना अपने आप को मारेंगे, अपने बच्चों को खुद मार देंगे तो इट्स गुड, अगर नहीं मारेंगे तो ज्यूज बुरी तरह से मारेंगे। तो इतनी क्रिमिनल एक्टिविटीज की थी ना नाजीज ने, नाजीज ने मोस्टली नाजी ऑफिशियल्स ने सुसाइड कमिट किया, हिटलर ने खुद सुसाइड कमिट किया था। उसको था कि अगर ये पकड़ा गया तो उसे बहुत बुरी पनिशमेंट मिलेगी, ज्यूज उसे बहुत बुरी तरह से मार देंगे। तो इस वजह से हेलमट से स्टोरी स्टार्ट होती है, आप आज पढ़ना कैसे वो उसकी मदर को उसका फादर कह रहा है दूध में पॉइजन डालो और इसको दे दो।